हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 में 5 जुलाई को क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है और कहाँ पैसा बनाने का मौका लगेगा। देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी तो निफ्टी 50 को देख के आप सेंसेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आज की जो कैंडल बनी है उसमें एक खास बात है क्या कि आज मार्केट गैप अप तो हुआ था पर गैप अप होने के बाद अपने हाईस को होल्ड नहीं कर पाने की वजह से मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है ना, क्लोजिंग अभी भी पिछली कैंडल के ऊपर हो रही है। तो याद रखिएगा, इस केस में यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है 24,300 का। अगर मार्केट में कल ये पॉइंट ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम थोड़े से मार्केट को लेके बेरिश हो जाएंगे और जो कैंडल आएगी उसकी जो लेंथ होगी वो काफ़ी लंबी हो सकती है और लगभग हमको 24,000 तक के टारगेट या फिर उससे नीचे तक के टारगेट भी देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली अगर हम बात करें ए बी सी और डी और आज की कैंडल ई, ई को छोड़ दें, ई में जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, ए बी सी डी ई में जितने लोगों ने शॉर्ट किया है सबको तगड़े से लॉस चल रहा है और जितने लोगों ने बाई किया है सबको प्रॉफिट चल रहा है। ये बात समझ में आ रही होगी। और आज की कैंडल हाईस पे खुली थी, मतलब कहने का है जिन्होंने बाई कर रखा है वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा अभी और प्रॉफिट होगा, वो अपनी पोजिशन होल्ड कर रहे होंगे क्योंकि उनको अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अब अगर मार्केट अपने हाईस को होल्ड नहीं कर पा रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक सेकेंड थॉट प्रोड्यूस होगा कि क्या अब हमारा प्रॉफिट चला जाएगा। और जैसे जैसे मार्केट में डाउनफॉल आता जाएगा, पहले डी को लॉस होना स्टार्ट होगा, सी को लॉस होना स्टार्ट होगा, बी को लॉस होना स्टार्ट होगा, फिर ए को लॉस होना स्टार्ट होगा। और जैसे मार्केट बी के नीचे जाएगा, डी अपनी पोजीशन काटेगा जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा आके सी के ऊपर, सी अपनी पोजीशन काटेगा बी के ऊपर पड़ेगा, बी अपनी पोजीशन काटेगा, इस तरह से सारे के सारे जब पोजीशन काटेंगे तो ऑब्वियस है कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा। लेकिन ये कब नहीं आएगा, अगर मार्केट आज के हाई को होल्ड करता है और तोड़ देता है कि मार्केट कल ओपन हो और ओपन होने के बाद सीधा ऊपर की तरफ भागे, मतलब कुछ कहानी अगर बदल जाए और कहानी कुछ इस तरह से होती है, सपोज दैट आज का जो हाई निकल के आ रहा है वो 24,400 पे है, अगर मार्केट मान लेते हैं कल 300 और 400 के बीच में ओपन होता है तो कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अगर मार्केट 2400 को क्रॉस कर जाए तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और तब आपके जो लेवल्स रहेंगे वो 600 तक के टारगेट पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस लगेगा 24,400 का। क्यों क्यों इतने लंबे टारगेट पॉसिबल हैं, देखिए इस ग्रेव स्टोन डोजी में जिन्होंने शॉर्ट करा है और जो आज के कैंडल में शॉर्ट है, ये दोनों अपनी शॉर्ट रिकवर करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम गेन होगा, जिसकी वजह से मार्केट तेजी से अपसाइड भागेगा। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट इस हाइस को होल्ड ना करे और 24,300 को ब्रेक कर देता है तो आपके डाउन ट्रेंड के टारगेट जो होंगे वो 24,000 तक के, 24,000 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स आप अगर दिमाग में रखेंगे निफ्टी 50 में ट्रेड करने से पहले तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। नंबर एक, 24,400 इसके ऊपर ट्रेड करता है तो कॉल साइड, नीचे ट्रेड करता है तो तब तक एंट्री मत बनाइए जब तक 24,300 को ब्रेक करके नीचे ना चला जाए। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर 24,300 को टच करके लौटने की कोशिश करे तो भी एंट्री मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि 24,400 पे एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा है, वो मार्केट को दबाएगा, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप फंस जाएंगे फ्लक्चुएशन में। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो अगर निफ्टी 50 में दबाव देखने को मिला तो सेंसेक्स पे इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और वहाँ पे एक अच्छा पैसा बन सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ दो लेवल्स, 400 और 300। 400 ब्रेक होकर ऊपर जाए तो कॉल साइड, 300 ब्रेक होकर नीचे जाए तो पुट साइड। 400 और 300 के बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, फंस जाएंगे वरना। आई होप आपको ये दोनों लेवल्स याद रहेंगे। चलिए, और हाँ, अगर आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840747884 पे। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।